जिस तरह से पहले यहाँ पे पहला आज था अधिवेशन, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अंदर विरोध किया गया कि माफ़ी मांगो करके, क्या लग रहा है अधिवेशन किस प्रकार चल पाएगा? नहीं, माफ़ी मांगने का मुद्दा जो आज उठाया वो कभी पहला दिन था। पहले दिन में आज 23 की और 57 की सूचना यहाँ पर अपोजिशन लीडर ने दी थी, तो उसके अनुसार उन्होंने कुछ बात करना चाहिए थी। ये मुद्दा उठाकर वो गुमराह कर रहे हैं, और जो विदर्भ को, महाराष्ट्र के किसानों को जो चाहिए वो मुद्दा बाजू में कर हम अलग से बात करके ये लोगों में गलत बात फैला रहे हैं। वीर विदा सावरकर के बारे में शिवसेना को बोलने की वो कोशिश कराने लगा, लेकिन आप लोकसभा में या राज्यसभा में देखा होगा तो शिवसेना ने सावर जी के साथ में ही अपनी बात की है। तो अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से वहाँ पर बात की, उन्होंने चर्चा की, तो उनका ये कहना था कि जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक वो इसी तरह से यहाँ पर इस बातों को रखते रहेंगे, और इसी तरह से उनके ये बातें भी होना ज़रूरी है, उनका ये कहना था। वो उनका मुद्दा है, उन्होंने किसने माफ़ी मांगनी चाहिए, मांग करने का उनका विषय है, लेकिन शिवसेना ने अपना जो निर्णय है वो बता दिया है। आपको क्या लगता है सबसे ज़रूरी है अभी किसानों को लेकर बात करना? जी हाँ, आज किसानों की ज़रूरत है। आप देखेंगे आज का माहौल भी बदल चुका है, कल बारिश हुई है नागपुर में, गीला यहाँ पर पीछे बार हुआ, उसका नुकसान की बात है। आगे किसानों को कर्ज माफ़ी दे मिलने की जो बात की जा रही है महाराष्ट्र में, उस पर किसान सब राह देख रहे हैं। वो छोड़कर आप दूसरी बात तरफ जाएंगे तो अच्छा नहीं है।